الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مخدوم محترم عزت ماب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ذاکر حسین شاہ صاحب بخاری مخادیم سادات کرام علماء کرام برادر عزیز جناب علامہ فریدی صاحب علامہ فاروقی صاحب اور میرے نقیب محتشم جناب محترم شاہد صاحب اور خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام اور اس خوبصورت محفل کو سجانے والے خوش نصیب خوش بخت تمام دوست احباب پوری بستی پورا گاؤں خدا کرے آپ پہ رہے رحمت کی چھاؤں
खून जमा देने वाली सर्दी में आपका ये इज्तिमा, ये इकट्ठ, मैं फरीदी साहब को बता रहा था कि हमारे शहर लाहौर में कई जलसे सिमट गए और कुछ लोग वादा करके पीछे हट गए और कुछ इज्तिमा से कट गए हैं। ये क्या है? कुटेड़ा शरीफ क्या है जी? कोठड़ा शरीफ वाले डट गए और आपको थकाने वाले देख देख के पलट गए। इसलिए हजरत इश्क इसी का नाम है। हजरत बाबा फरीद ने, हजरत बुल्ले शाह ने कहा था, मैं ना मुर्दा इश्क दीवाना, शाहनाल परीता लाइया ने। तो इसलिए एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बनन लई कैदा विच रहना पैंदा है। तो मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत की, मैं भी पहुंच गया, वरना ये जो फतेहपुर शरीफ तक तो ठीक है, बाकी आगे जो मोड़ अल्लाह नसीबों वाला पहुंचेगा तोड़, इसको कहते हैं चलते चलते थक गए तो पूछा पांव के छालू ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने। तो पहले तो मैं आपके जज्बे को दिल से सलाम करता और अपना एक एक लफ्ज आपके नाम करता। मेरा करीम अपने महबूब के सदके आप सब पे, हम सब पे अपनी खास रहमत अता फरमाए। आज ये कोई प्री प्लान नहीं है कि आज की रात कोई चुन के ली गई है, ये इत्तेफाक है। आज की रात इत्तेफाक है कि पिछला साल जा रहा है, अगला साल आ रहा है। और मैं माफी चाहता हूं, कुछ लोग वो हैं जो पीकर मना रहे हैं, कुछ ढोल बजा रहे हैं, कुछ झुमरे लगा रहे हैं और कुछ खुश नसीब हैं, मदीने वाले के करीब हैं। ये हम गुनाहगारों के नसीब हैं कि कोई वैसे मना रहे हैं, कोई ऐसे मना रहे हैं। हक फरीद, हक चार हजरत, ये खुदा का करम है। आप हजरत भी दाना लोग हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आपसे कौन सा पर्दा है। आज कितनी शराब की बोतलें खरीदी गई, कितनी बेहयाइयों के प्रोग्राम तरतीब दिए गए और इस वक्त कितनी ही हया की चादरें तार तार हो चुकी होंगी, लेकिन ये उसका कर्म नहीं तो क्या है? हमारी औकात क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मेरा कायनात की पेशानी पे हाथ है, जब तक तौफीक न दूं कोई खैर की तरफ कदम उठा नहीं सकता, हमारी मजलिस में आ नहीं सकता। ये मेरी तलब भी उनके करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, ये लोग आते नहीं बुलाए जाते हैं। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। आज मुझे, मैं खुद इस हुस्न इत्तेफाक पे हैरान कि मेरे अल्लाह, आज तो मुझे या कराची होना चाहिए था लाहौर, लेकिन मसला बन गया और
ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਚੋਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਠੜੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰ। ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਭਾਂਗਾ ਮਿਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਹਮ ਪੇ ਔਰ ਆਪ ਪੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਖਾ ਹਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਕਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਸੀ ਕੇ ਹਾਥ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਮਾਰੀ ਔਕਾਤ ਕਿਆ ਕਿ ਹਮ ਆਜ ਨਯਾ ਸਾਲ ਵੋ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਹ ਹਮਾਰੇ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਕੇ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਪੇ ਹਮ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਹਾਂ ਹੋਤੇ, ਪੂਰੇ ਕੱਦ ਸੇ ਜੋ ਖੜਾ ਹੂੰ ਤੋ ਯੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਰਮ, ਮੁਝਕੋ ਝੁਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਕਾ ਆਪ ਪੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋਂ ਪੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਨ ਸਾਦਾਤ ਕਿਰਾਮ ਪੇ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਰਾਤ ਭੰਗੜੇ